हाय दोस्तों, मेरा ये YouTube पे पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती पाई गई हो तो उसे क्षमा करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वो गलत है या सही। मैं इसे पूरी तरह गलत नहीं मानता, हाँ, लेकिन इसे गलत जरूर मानता हूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं उन बच्चों पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है। वो बच्चे खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, उन्हें अपने विचार पर भरोसा नहीं रहता है, वो कुछ भी खुले विचार से नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मुझसे यह कार्य नहीं हुआ तो मेरे माता पिता को बहुत कष्ट होगा, मैं उनकी उम्मीद पर कायम नहीं रह पाऊँगा इत्यादि। ये सभी चीज़ें उनके अंदर एक मानसिक तनाव बनकर रह जाती हैं, जो उनके अंदर एक नकारात्मक डर बन जाता है। अक्सर यही माता पिता अपने बच्चों से यह कहकर देखे कि बेटा तू जो भी कर पूरा आज़ाद होके कर, पूरा निडर होके कर, तू जो भी परीक्षा दे एकदम आज़ाद होकर दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो तू पास होगा या तो फेल होगा। यदि पास हुआ तो बहुत बढ़िया, यदि अगर फेल हुआ तो और भी बढ़िया, क्योंकि तुम कुछ नया सीखोगे। तू ये कभी मत सोचना कि अगर तू किसी कार्य में नाकामयाब हो जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मेरा बेटा प्रयास तो किया। बेटा, अगर मुझे तेरी नाकामयाबी दुख नहीं हुआ तो समाज कौन होता है तेरे नाकामयाब होने पर कुछ बोलने वाला। इसलिए तू समाज का फिक्र तो बिल्कुल मत करना। बेटा, मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तू जो भी कुछ भी कर एकदम आज़ाद निडर वाले विचार से करना। माता पिता की ये कही हुई बातें बच्चे पर एक अंदर ही अंदर ऐसा ताकत प्रदान करेगी कि, और ये वो ताकत होगी जिसे कोई भी सफल बनाने से हरा नहीं सकता। और वही बच्चा कुछ ऐसा कर जाएगा कि जिसे उनके माता पिता उम्मीद नहीं किए होंगे। इसलिए मेरा हर माता पिता से निवेदन है कि वो कभी भी अपने बच्चों पर किए हुए उम्मीद उन्हें बताकर उनके अंदर डर ना पैदा करें, उन्हें बिल्कुल आज़ाद होकर कार्य करने दें। मेरा विश्वास रखिए, वह बच्चा आपके उम्मीद से कहीं बहुत कुछ ज़्यादा करके दिखाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।